Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to create matte eye look. But before starting the video, if you are new in this channel, then hit the like button and subscribe this channel. So let's begin. तो सबसे पहले मैं मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट लूँगी और इसमें से ब्लैक कलर पिक करूँगी. और इसके लिए मैंने लिया है अर्बन ब्यूटी का एंगुलर ब्रश 16. इसको मैंने लिया यहाँ से, ये पिक किया कलर और इसका डस्ट ऑफ कर दिया. और उसके बाद अपनी आईज पर एंगुलर शेप में बनाएंगे. यस, दिस टाइप. उसके बाद मैं थोड़ा सा कलर और पिक करूँगी और उसके बाद इसको अंदर की साइड में फ्लिक करेंगे. थोड़ा आई लैशेस से ऊपर की साइड में ले जाएंगे, मिडिल तक नहीं ले जाना है, बस थोड़ा सा करना है आगे तक. उसके बाद मैं ये कलर पिक करूँगी, दिस वन. इसको लूँगी, डस्ट ऑफ कर लूँगी और उसके बाद अपनी क्रीज पर इसको अप्लाई करूँगी. और यहाँ मैंने लिया है एक फ्लफी ब्रश. और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. और अगर ये कलर जो है आपके ब्लैक, आपने जो विंक बनाई है यहाँ तक पहुँच जाता है, तो देन इट्स ओके. अब मैं लूँगी ये कलर ऑरेंज शेड और इसको ब्लैक जो हमारी ये विंक थी इसके जस्ट बराबर में लगाएंगे. और जब इसको लगाएंगे तो स्लांटिंग ही लगाएंगे. इस तरह से. और ब्लैक के ऊपर भी जाता है ये, तो इट्स ओके. इसको मैं ब्लैक कलर के साथ हल्का सा ब्लेंड कर लूँगी, बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है. नेक्स्ट स्टेप है, मुझे लेना है कंसीलर. यहाँ मैं ले रही हूँ शुगर का कंसीलर और इसको थोड़ा सा अपने हाथ पर लूँगी, लिटिल बिट. और इसके बाद इसके लिए लिया है मैंने अर्बन ब्यूटी का कंसीलर ब्रश नंबर 12 और इसको हल्का सा हम लेंगे और अपनी आईलिड्स पर बिल्कुल मिडिल में लगाएंगे. देन ओपन योर आईज. ये केवल इसलिए जिससे जो है केवल एक डिफाइन हो जाए कि कितना करना है, क्योंकि पूरा मुझे कट क्रीज नहीं करनी है, केवल हाफ कट क्रीज करेंगे. और इसको बहुत आराम से लगाएंगे, हल्का सा केवल कंसीलर लेना है आपको अपनी ब्रश की टिप पर. कंसीलर लगाते हुए केवल बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कंसीलर आप लें वो जो है आपके स्किन टोन से एक से दो शेड जो है वो डाउन हो. जब एक बार कट क्रीज पूरी हो जाती है उसके बाद आपको ट्रांसल्यूसेंट पाउडर लेना है, देन इसको अप्लाई करेंगे. यहाँ मैं ले रही हूँ स्टे क्विकी का ट्रांसल्यूसेंट पाउडर. इसको हल्का सा लेंगे, लिटिल बिट, और उसके बाद इसको डस्ट ऑफ कर देंगे. देन अप्लाई ऑन माई आईज आईलिड सो दैट ये जो मैंने लगाया है ये सेट हो जाए अच्छे से. इसके बाद हमें अपने लुक को इंटेंसिफाई करना है. इसके लिए मैं दोबारा लूँगी ब्लैक कलर और इसको अपने विंग पर अप्लाई करूँगी. मुझे लेना है अगेन ऑरेंज कलर. एक्चुअली दिस शेड एग्जैक्टली नॉट अ ऑरेंज कलर, इट्स लाइक अ पीच कलर. और इसको ब्लैक जो मैंने लगाया है उसके जस्ट पास में लगाना है. और जब आप लगाएं इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको स्लांटिंग ही लगाना है,
मतलब इसको स्ट्रेट नहीं करना है। और अगर ये इसके ब्लैक के ऊपर आ जाता है देन इट्स ओके, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है। मुझे लेना है अगेन लाइट ब्राउन शेड, और इसको मैं ये जो मैंने ऑरेंज कलर लगाया था लाइट ऑरेंज, इसके जस्ट बराबर में लगाऊंगी। और इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। जब आप ये ब्राउन शेड लगाएंगे तो इसको आपको ध्यान रखना है बिल्कुल यहाँ तक इनर कॉर्नर तक नहीं लेके जाना है, केवल इसको जो है हम इसी पार्ट तक लेके जाएंगे, मिडिल से थोड़ा आगे तक। और ये हो गया है। इसके बाद मैं एक फ्लफी ब्रश लूँगी और इसको जो मैंने ये सारा आई कलर आई शेडोज लगाई हैं उनको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अब मैंने एक एंगुलर ब्रश लिया है और इससे जो क्रीज पर कलर लगाया था वही मैं अगेन कलर लूँगी और उसको हल्का सा लगा के अपनी कट क्रीज पर लगाऊंगी, केवल डिफाइन करने के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, केवल हल्का ही लगाएंगे। आईलिड्स हमारी कंप्लीट हो गई हैं, अब हमें लगाना है लोअर लैश लाइन पर। इसके लिए मैं लूँगी ब्लैक कलर, हल्का सा डस्ट ऑफ करना है और उसके बाद अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाएंगे इसको। और आपने जो ये विंक बनाई थी उससे कनेक्ट कर देंगे, कहीं अलग अलग ना लगे। उसके बाद अगेन मैं लूँगी ये ऑरेंज शेड, दिस वन, और ब्रश को अच्छे से वाइप कर लेना है। इसको हल्का सा लेंगे, डस्ट ऑफ करना है। ब्लैक कलर जो आपने लगाया है उसके जस्ट नीचे इसको हल्का सा लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है। और इसके बाद दोनों को स्मज कर देंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं इस आँख का भी कर लेती हूँ। ओके, डन। अब मुझे लगाना है मस्कारा। यहाँ मैं ले रही हूँ मैबलिन का कोलोजल। ये हो गया कंप्लीट मैट आई मेकअप। लेकिन हाँ, अभी मुझे इसमें मैंने आईलाइनर यूज़ नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं आईलाइनर को यूज़ करना तो आप उसको लगा सकते हैं। और अब मैं हाईलाइट करूँगी अपनी ब्रूज को, अपने फेस को। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का हाइलाइटर, इसको लगाएंगे अपने ब्रूज के जस्ट नीचे। आउटर कॉर्नर पर ज़्यादा हमको लगाना है और मिडिल में कम, इस तरह से यहाँ पर भी। माय चेक पॉइंट्स, फेस मेकअप इज डन, लिपस्टिक। सो गाइज, यह है मेरा कंप्लीट मेकअप लुक।
तो ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ चाहते हैं, कोई नया लुक क्रिएट करना या फिर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। और विल बी बैक सून, सो बाय बाय।